और खबर यह है कि कल कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है और उससे पहले आज कई नेता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, विजय गोयल, अनुप्रिया पटेल, ये सब वहां पर मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये इनकी एंट्री संभव है। पुरुषोत्तम रूपाला, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, अजय टमटा, एसएस अहलूवालिया, महेंद्रनाथ पांडे, पीपी चौधरी, कृष्णा राज, और ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में ये नेता, कई नेता इनमें से अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। यानी आपको बता दें कई नेता अभी इस वक्त मिलने पहुंचे हैं और जो नेता मिलने पहुंचे हैं इसमें गौरतलब बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। खबर यह भी आ रही है कि अरुण जेटली भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से आज। यानी कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है और कैबिनेट एक्सपेंशन में उम्मीद की जा रही है कि कई नए चेहरे दिखाई देंगे और इससे पहले एक औपचारिकता मात्र जो आज मुलाकातों का दौर होगा। लेकिन यह भी खबर आ रही है कि चाय पे बुलाया है अमित शाह जी ने कई नेताओं को। 20 महीने बाद कल कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ये चीज साफ हो चुकी है। और इस दरमियान आपको एक और चीज बता दें, जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें गौरतलब यह है फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में 66 मंत्री हैं और कानून के मुताबिक करीब 82 मंत्री रह सकते हैं। इन लोगों की एंट्री संभव है। यूपी में बीजेपी का सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद है अनुप्रिया पटेल, गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कुशवाहा समुदाय के नेता हैं पुरुषोत्तम रूपाला। यूपी में जाति समीकरण साधने में अहम हो सकते हैं महाराष्ट्र के दलित नेता। और एक समय जब शिवसेना बार बार सामना में बीजेपी के खिलाफ लिख रही है, ऐसे में सीधे खड़े हुए हैं उत्तराखंड से सांसद हैं अजय टमटा, यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद कृष्णा राज। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि कई सारे नेता हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद हैं एसएस अहलूवालिया, यूपी के चंदौली से सांसद हैं महेंद्रनाथ पांडे। यूपी को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी ऐसी खबरें हैं। अर्जुन राम मेघवाल 2013 में श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जीता, राजस्थान बीकानेर से सांसद हैं। पीपी चौधरी राजस्थान के पाली से रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले सांसद हैं। और आपको ये बता दें, ये देखें रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद, इनकी छुट्टी संभव है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है। हिमांशु, क्या अपडेट्स है, पूरी खबर बताएं। हिमांशु, खैर फिलहाल आपको यह बता दें कि मोदी कैबिनेट में करीब 66 मंत्री हैं, कानून के मुताबिक करीब 82 मंत्री रह सकते हैं। और जैसा कि तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, इस बात की संभावना है कि सबसे ज्यादा यूपी को तवज्जो दी जा सकती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।